This video is brought to you by HM Ishaq & Sons, Builders and Developers, Mobile Master, Color Dreams Printers, Firdos Caterers, Hayat the Fashion Hub, and by ASK Tours and Travel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो हैश हैदराबाद। आज हमारे साथ चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट ईसा बिन उबैद मिस्री साहब हैं। तो सबसे पहले मैं उनको वेलकम करता हूं। आपका स्वागत है हमारे शो में सर। जी सर, हम जो है यहां पर एक इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं सब कैंडिडेट्स के पास जा कर के। तो अभी जिस हिसाब से जो इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे, क्या आप उससे खुश हैं या कुछ आप उनको सजेस्ट करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं ईसा मिस्री, चंद्रायन गुट्टे हलके से एमएलए कैंडिडेट। भाई ने सवाल किया कि यहाँ की जो सिचुएशंस है वो सब, उससे मैं खुश हूँ या नहीं। जो यहाँ की आर ओ है ठीक ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का भी यहाँ पे सही इंतज़ाम है। और मैं चाहता हूँ पुलिस से और आर ओ सर से यहाँ के, और जो यहाँ के ऑब्ज़र्वर हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, ये अगर पीसफुल इलेक्शन आपको करवाना है तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सिर्फ आप बोकस वोट करने से रोकें। उसका नॉर्मली आइडिया ये है, मैं ऑलरेडी ऑब्ज़र्वर साहब को कहा था, एक पुलिस वाला वहाँ ठहरे, आईडी चेक करके छोड़े, इंशाल्लाह फिर ऑटोमेटिकली ये बोकस वोट रुक जाएगा जी। और जैसे कि अभी आप इलेक्शन में आपके सामने कैंडिडेट्स हैं अन्य पार्टी के, जैसे MIM है, फिर BJP है, और TDP तो कांग्रेस तो है ही, तो आपको क्या लगता है कि आपके चांसेस कितने हैं इस बार इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं यहाँ का चंद्रायन गुट्टे का MLA बनूँगा, ऐसे मुझे मतलब 100% चांसेस नज़र आ रहे हैं। और आवाम से जो मैं फर्दन डोर टू डोर जाके जो मिल रहा हूँ, मैं वोट मांगने से पहले ही वो मुझसे ये कह रहे हैं कि अब की बार हम कांग्रेस को और ईसा मिस्री को ही वोट देंगे। अभी मेरे सामने आपका जो मैनिफेस्टो टाइप जो आपका है, उसमें आपने मेंशन किया है गुड एजुकेशन फॉर ऑल, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ, बेटर ड्रेनेज सिस्टम एंड रोड्स, वीमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। इनमें से आपको क्या लगता है कि चंद्रायन गुट्टा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, और जिसको इंशाल्लाह अगर आप बन जाते हैं MLA तो आप किस चीज़ को पहले एड्रेस करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स के ऊपर तवज्जो दूंगा। मेरा जो मेन मकसद है, यहाँ पे बस्ती हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। हर जगह पे एक बस्ती हॉस्पिटल रहना जहाँ पे डॉक्टर फ्री और मेडिकल फ्री रहना। और उसके बाद यहाँ जो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ रोडों के काम अभी भी पेंडिंग है, आज मैं मेरा दौरा इधर मोहम्मद नगर, गौस नगर वगैरह गया, कई वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, रोड्स नहीं बने हैं, ऐसा लग रहा था जैसा कि फिर मैं कोई गाँव में जाके आ रहा हूँ। और बाबा नगर के अंदर भी एक लेडीज़ का वीडियो वायरल हुआ कि मैं वहाँ जाते ही वो लेडीज़ मेरे ऊपर भड़कना शुरू हो गई। वो समझ रही मैं उसका MLA हूँ सामेखा। मैं उनसे कहा, भाई मैं अभी MLA नहीं हूँ, वो जो आप नाराज़गी जाहिर कर रहे हो, वो पिछले MLA जो थे आपके, उन्होंने आपका काम नहीं किया, आप मुझे वोट करिए, इंशाल्लाह मैं ईमानदारी से आपका काम करूँगा। वो लेडी इतना यानी कि गुस्सा करी, बाद में शायद कोई पार्टी वाले उसको पकड़ के ला के वो उसके एक वीडियो बनाए एंकरिंग करके, वो असली और नकली का पता पब्लिक को लग रहा है। अभी जो मौजूदा हालात है ओल्ड सिटी के, जो ये एजुकेशन वाइज, तो आप क्या मतलब इसमें क्या तब्दीली ला सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल खुले। प्राइवेट स्कूल के अंदर एक नौजवान पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। जैसे अभी कल एक TRS के लीडर ने कहा कि हम एक लड़के के ऊपर 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो जब एक लड़के पे फ्री एजुकेशन देके 1.5 लाख खर्च कर रहे हैं वो कह रहे हैं, मगर अमल नहीं है उनका। हम वो चीज़ को यहाँ पे अमल करके बताएंगे, और यहाँ पे सरकारी स्कूल लगा के हम नौजवानों को, हमारे मासूम बच्चों को ज़रूर अच्छी तालीम देंगे और असली तालीम देंगे। विमेन सेफ्टी एक मसला है, जैसे कि इलेक्शंस के वक्त काफ़ी बहुत सारे औरतें जो है डर के काम माहौल ख़राब हो जाएगा ये सोच करके वो वोट करने नहीं निकलते हैं, तो क्या आपकी पार्टी कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है उनको कुछ सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, वो इलेक्शन बूथ तक आए अपना कीमती वोट डालें?
ये जिम्मेदारी तो पुलिस की होती है। मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि पुरअमन इलेक्शन कराएं और कोई खौफ का माहौल पैदा होने ना दें। और ये सब खौफ का माहौल सिर्फ एक ही वजह से पैदा होता है सर, ये होता ये है कि जो बोकसिंग करने के लिए वो लड़कों को लाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, भागते हैं, इससे क्या होता है औरतें डर जाती हैं। मैं हर पार्टी के कैंडिडेट से गुजारिश करता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ सारी आवाम से, कि अपना एक ज़ाती वोट डालें, बोकस वोट ना डालें, एक ही अपना, मतलब जैसे फैमिली में 5 वोट आते हैं, 4 आदमी मौजूद रहते हैं, 1 आदमी मौजूद नहीं रहता है तो उसका भी वोट डालने की कोशिश करते हैं, वही टाइम में ये माहौल ख़राब होता है। उसको रोकने के लिए पुलिस आती है, अदर पार्टी के लोग उससे टकराते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जैसे ईसा मिश्री ऐलान कर रहा है हर पार्टी का, ख़ास करके मैं MIM वालों से कहता हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब से कहता हूँ और उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब से कहता हूँ कि वो भी एक ऐलान करें कि बोकस वोट ना डालें और बोकस वोट डालने से अवाम के अंदर शऊर बेदार करें। देखिए, एक बेटा अपने बाप का नाम दूसरे बाप का नाम बोलेगा, एक मेरी बहन अपने शोहर का नाम किसी और के शोहर का नाम बोलेगी, जिससे उसकी यहाँ पे भी पूछ होगी, वहाँ पे भी पूछ होगी, दुनिया में भी हम जलील होंगे, आखिरत भी हमारी ख़राब होगी। देखिए, हो कुछ नहीं रहेगा। मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, लीडर को जब वोट मिल जाता है वो तो अपना MLA बन जाता है, वो बाद में आपकी खिदमत करेगा या नहीं करेगा, मगर सिर्फ गुनाहगार आप बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की कि बोकस वोट्स को रोका जाए यहाँ पर। और एक चीज़, अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी यहाँ की दूसरी पार्टियों से कैसा बेहतर है, आपकी पार्टी के पास ऐसा क्या विज़न है जिसकी वजह से लोग आपकी पार्टी को वोट देंगे? जी, अभी हमारे जो मैनिफेस्टो में 6 सिलेंडर सालाना फ्री दिए जाएंगे, नौजवानों को रोज़गार लगाने की बात कही जा रही है और 3,000 रुपीज़ उनको पर मंथ पॉकेट मनी दी जाएगी। उससे हटके जो बेवाएं घरों में हैं, पेंशन जिनके बच्चे हैं उनका साथ नहीं दे रहे, उनको पेंशन दिया जाएगा। और मैं एक कोशिश करूंगा, जो हमारी माएँ बहनें घरों में बैठी है, जिसका कोई पालने वाला नहीं है, बेटे हैं मगर उसे छोड़ दिए हैं, वैसी औरतों के लिए हम हॉस्पिटल, इलाज और उनका खाने का खर्च हमारी पार्टी की तरफ से उठाने के लिए भरपूर कोशिश करके इस इलाके में जो भी बेवा या ऐसी औरत है जिसका कोई कफील यानी कि उसका किफालत मतलब उसका केयर टेकर नहीं है, उसके लिए हम केयर टेकर बनने की 100% कोशिश करेंगे। अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है, मैं अब आपके एरिया वाइज तो पूछ लिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी पूछ लिया, अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है तेलंगाना की और आपकी पार्टी की जो सिचुएशन है, जैसे कि TDP के साथ अलायंस है, तो क्या लगता है इस बार में क्या कांग्रेस और TDP के अलायंस हुकूमत बना सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा भरोसा है, हमेशा एक लहर चलती है, वो लहर से डर यानी कि बहुत सारे लोग घबराए हुए डरे हुए हैं और वो लहर पूर्व पे भारी पड़ जाएगी। एक साहब कह रहे थे कि वो लहर को खैर में बदल सकता हूँ, ये आम आदमी का या इंसान का काम नहीं है, मेरे मालिक अल्लाह का काम है, ये लहर उन्होंने छोड़ा है और वही कामयाबी दिलाने वाले हैं। आप अपना ख्याल, अपने जो जज्बाती तकरीरें अपने तक रखिए, एक यहाँ पे तेलंगाना में इंशाल्लाह ताला कांग्रेस 100% हुकूमत बनाएगी और ईसा मिश्री हल्के चंद्रायन गुट्टे से इंशाल्लाह 100% जीतेगा और यहाँ की भलाई का काम करेगा, वो भी ईमानदारी के साथ। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय HM Shah Concerns, Builders and Developers, Mobile Master, Color Dreams Printers, Firdaus Caterers, Hayat the Fashion Hub, and by ASK Tours and Travel.